Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो देखते हैं सवाल नंबर 52, that is, a solid sphere of mass m is equal to 80 kilogram and radius r equal to 0.2 meter is released from height h is equal to 5 by 4 meters. Sphere is initially rotating about horizontal axis, passing through its center of mass. It hits a stationary cart of mass m equal to 200 kilogram exactly at the center of cart elastically. The cart can move smoothly on the horizontal surface. It is found that sphere starts pure rolling at the end of first collision. If mu is equal to 0.1, find the minimum length of cart such that the sphere can collide twice with the cart. Also calculate omega naught for the same case. चलिए तो जैसा सवाल में दिया है अपने को ये दिया हुआ है कि स्फेयर का मास कितना है 80 किलोग्राम और जो कार्ट है उसका मास दिया हुआ है 200 किलोग्राम है ना और रेडियस ऑफ द स्फेयर कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर एक्चुअली वो एच है 5 बाय 4 मीटर है ना मतलब 5 बाय 4 मीटर हाइट से इस स्फेयर को ड्रॉप किया गया मतलब जब ये बॉटम मोस्ट सर्फेस स्फेयर का हिट करेगा इसे तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट कितना नीचे आ चुका होगा 5 बाय 4 मीटर है ना तो एक और चीज अपने को दी है म्यू दिया हुआ है ना ऑब्वियसली बोल रहा है कि अगर जमीन फ्रिक्शन लेस है तो एक ही सरफेस के बारे में बात कर रहा है ना दैट इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द स्फीयर एंड द कार्ट वो अपने को दिया हुआ है कितना म्यू बराबर 0.1 है ना तो चलिए सोचते हैं बहुत ही प्यारा सवाल लग रहा है ये तो हम लोग सबसे पहले ना ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जब ये स्फीयर नीचे आएगा तो इसकी किस स्पीड से ही एक्चुअली स्ट्राइक करने वाला है कार्ट को है ना तो कार्ट को देखते हैं कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा बहुत आसान है v बराबर कितना बोल देंगे रूट टू जी एच है ना क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जिस स्पीड से ये कोलाइड कर रहा है कार्ट से वो स्पीड कितनी है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू जी को 10 लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय एच एच दिया हुआ है अपने को 5/4 है ना तो ये कितना हो गया 2 2 = 4 2 5 = 10 2 1 = 2 तो v बराबर आ गया देखिए बड़े प्यारी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड है ना मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड से इसने कार्ड को स्ट्राइक करा और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि यहां पर होगा क्या यहां पर इलास्टिक कोलिजन होगा जैसा सवाल में दिया है इसका मतलब ये जब हिट करेगी तो कितना ऊपर फिर से जाएगी मतलब वर्टिकल हाइट कितनी गेन करेगी ये जितने हाइट से ये नीचे आई थी करेक्ट है यहां तक तो ये कंफर्म है कि अगर ये v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड से हिट करी कार्ड को तो जब ये रिबाउंड करेगी है ना तो इसके जो y के अलोंग स्पीड आएगी वो कितनी आएगी 5 मीटर्स पर सेकेंड तो जरा एक चीज देखते हैं कि जब ये नीचे आ रही थी तो इसका मोमेंटम कितना था इसका मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी और मास कितना दिया हुआ था 80 किलोग्राम और स्पीड हमने कितनी निकाली थी 5 मतलब कि नीचे आते वक्त इसका मोमेंटम था 400 है ना और ये टक्कर के बाद इसका मोमेंटम पलट गया है ना मोमेंटम वेक्टर पहले नीचे था अब ऊपर हो गया तो मोमेंटम कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ फिर से 400 हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम कितने का आया अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम कितने का आया चेंज इन मोमेंटम आया 800 और क्योंकि सारी चीजें एसआई यूनिट में है ना तो हम लोग क्या लिख देंगे यूनिट यूनिट हम लोग लिख देंगे इसकी केजी मीटर पर सेकेंड है ना मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी तो मास हो गया केजी और स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड तो हमें यह समझ में आ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम 800 केजी मीटर पर सेकेंड का है अच्छा तो ये वाला जो मोमेंटम में चेंज आया ये किस इंपल्स के कारण आया किस फोर्स के कारण आया ऐसे सोच सकते हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ लगा दैट कॉज्ड द चेंज इन मोमेंटम है ना तो बेसिकली मान लीजिए कि बहुत कम टाइम के लिए यहां पर कोलिजन होता है ना तो लेट अस से कि वो dt टाइम के लिए कोलाइड किया तो मैं क्या लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ n dt बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 800 केजी मीटर पर सेकंड क्लियर है यहां तक तो अब तक तो हमने बात करी सिर्फ लीनियर मोशन की है ना जैसे कि ये स्फीयर आया वो टकराया टकराने के कारण उस पर लगा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगा ही है ना तो इस नॉर्मल रिएक्शन ने कितना इंपल्स प्रोवाइड करवाया 800 केजी मीटर पर सेकंड का ये तो हमें समझ में आ गया लेकिन आप एक और चीज अब देखिए है ना
अब अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो पहले ये इस तरीके से रोटेट कर रहा था, है ना, ये जब यहां आया होगा तो भी इसका जो बॉटम मोस्ट सरफेस है वो तो रुका हुआ नहीं था, तो ऐसे रोटेट कर रहा था, है ना। और अपने को सवाल में दिया है कि बाय द एंड ऑफ द कोलिजन वो क्या करने लगा, प्योर रोलिंग करने लगा, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो कार्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आ गया, है ना। तो ये प्योर रोलिंग करवाने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार रहा होगा? ऑब्वियस है कि शुरुआत में कार्ड तो रुका हुआ था, लेकिन ये स्फेयर ऐसे रोल घूमते हुए जा रही थी, है ना, वो घूमते हुए जा रही थी और इस जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो लेफ्ट जाना चाह रहा था, तो कार्ड को ये चीज पसंद नहीं आई, कार्ड ने लगाया फ्रिक्शन उस पर पीछे की तरफ, तो स्फेयर ने बदले में क्या किया, स्फेयर ने बदले में कार्ड पर लगा दिया फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, सेम मैग्नीट्यूड का, है ना, एफ मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन लगा दिया। तो यहां पर बच्चों आपको एक चीज ध्यान से समझनी होगी, ये जो फ्रिक्शन है ना ये किस फोर्स के कारण आ रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आ रहा है, और ये हम लोग को सवाल में दिया है कि जब तक ये पूरी तरीके से कोलाइड नहीं किया तब तक क्या हुआ, ये क्या करता रहा, स्लिप करता रहा, है ना। सवाल में दिया है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट कोलिजन इट स्टार्टेड टू रोल प्योरली, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन कौन सा यूज करें यहां पर, काइनेटिक, है ना। तो यहां से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये फ्रिक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया, और वो कितना हो गया, फ्रिक्शन बराबर हो गया म्यू मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, जो भी यहां पर अचानक से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन का इंपल्स कितना आएगा, फ्रिक्शन का इंपल्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मैं बोल सकता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, यहां पर मैं एफ मैग्नीट्यूड रख रहा हूं ना, डायरेक्शन में अपने दिमाग से लगाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को, और मैं क्या बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू एन डी टी। अब आप देखिए म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू है 0.1 और वो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी, राइट। अब आपको ध्यान होगा कि देखिए मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है ना, ये जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी था, तो इसकी वैल्यू तो 800 केजी मीटर पर सेकेंड है, तो क्यों ना यहां पर पुट कर दे, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 800 केजी मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ गया 80 केजी मीटर पर सेकेंड। तो फ्रिक्शन के कारण, ध्यान से सुनिएगा, कार्ट, ये कार्ट है ना, कार्ट के ऊपर फ्रिक्शन के कारण लेफ्ट साइड में इंपल्स कितने का आया, वो आया 80 केजी मीटर पर सेकेंड का, है ना। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं अब कि इस इंपल्स के कारण इस कार्ट की स्पीड कितनी हो गई होगी, है ना, बाय द एंड ऑफ कोलिजन इस कार्ट की स्पीड कितनी हो जाएगी, चलिए निकालते हैं। देखिए इंपल्स हमने निकाल लिया, वो आया था 80 केजी मीटर पर सेकेंड, तो 80 केजी मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना, इंपल्स की डेफिनेशन यही होती है चेंज इन मोमेंटम। तो मास कितना है 200, शुरू में तो कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, मतलब जो भी इसे इंपल्स मिला वो रिफ्लेक्ट होगा एज चेंज इन मोमेंटम या फिर एज फाइनल मोमेंटम, तो मैं लिख दूंगा 200 इनटू इसकी जो वेलोसिटी हो गई ना, वेलोसिटी ऑफ कार्ट लिख देते हैं, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना आ गया, देखिए जरा, ये आ गया 80 अपॉन 200 मीटर पर सेकेंड, जो कि कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो उड़ा दिए और ये बच गया 4 2 8 4 5 20, मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक चीज अपने को तुरंत पता चल गई कि यहां पर फ्रिक्शन के इंपल्स के कारण कार्ट ने कितनी स्पीड गेन कर ली, टुवर्ड्स लेफ्ट 0.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो अब देखते हैं कि इस फ्रिक्शन के कारण इस स्फेयर पर क्या असर आया, है ना। तो इस फ्रिक्शन के कारण मैं देख पा रहा हूं कि ये जो हमारा जो स्फेयर था, है ना, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा टुवर्ड्स राइट तो इस फ्रिक्शन ने इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम सप्लाई किया, तो मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब शुरुआत में तो ये चल ही नहीं रहा था एक्स के अलोंग, तो जो भी यहां पर अपने को इंपल्स मिला है दैट विल बिकम द फाइनल मोमेंटम, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर, जो कि इसने राइट साइड में गेन कर लिया, तो कितना लिख दूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी हमने अभी भी निकाला था वो कितना आ गया था, 80 आ गया था, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 80 इंटू वी एस, और यहां से वी एस कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। अब लेकिन इस बार देखिए फ्रिक्शन का इंपल्स तो आया है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण
एंगुलर इंपल्स भी इस बार आएगा। आप देखिए कि अगर मैं सेंटर से देखूं है ना, तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी लग रहा है, फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है उसका सेंस कैसा हो जाएगा, उसका सेंस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो मैं एंगुलर इंपल्स कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी, है ना। जैसे इंपल्स होता है लीनियर इंपल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, उसी तरीके से एंगुलर इंपल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। तो वो कितना हो जाएगा इस बार, मैं लिख देता हूं यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी को, टॉर्क बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर, है ना, जो भी इसका रेडियस है, एफ इंटू आर, और आगे आ जाएगा डी टी, है ना। तो यहां से क्या आ गया, फ्रिक्शन को मैं कितना लिख दूंगा, फ्रिक्शन को मैं लिख दूंगा म्यू इंटू एन, तो ये बन गया म्यू एन आर डी टी, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्या बाहर आ जाएगा, आप देखिए म्यू इंटू आर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, एन डी टी, है ना। तो म्यू की वैल्यू हमें पता है, वो है 0.1, रेडियस हमें दिया ही हुआ था 0.2 मतलब 2/10, और इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी की वैल्यू हमें पता है मैग्नीट्यूड वाइज वो है 800, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी मतलब एंगुलर इंपल्स हमारे को मिल गया, है ना। एंगुलर इंपल्स अपने को कितना मिल गया, ये आ गया 0 से 0 चला गया, और ये बन गया 8 टू 16, है ना। तो एंगुलर इंपल्स कितना आ गया, 16, और इसकी यूनिट क्या लिख दें, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर और टाइम की सेकेंड, तो न्यूटन मीटर सेकेंड, ये हमारा एंगुलर इंपल्स आ गया अगर सेंटर के अबाउट देखे तो। चलिए, तो चूंकि बहुत सारी चीजें अब तक हम लोगों ने देख ली है, तो मैं आपको एक छोटा सा रिविजन करा देता हूँ। बेसिकली बाय द एंड ऑफ द कोलिजन, पहले कोलिजन के एंड के बाद प्लैंक जाने लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट विथ 0.4 मीटर पर सेकेंड। फिर स्फेयर को अगर हम लोग देखें तो उसके पास एक ऊपर की तरफ स्पीड आएगी बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और वो कितनी आ जाएगी, चूंकि इलास्टिक कोलिजन था तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना ही था, तो वो नीचे आ रही थी 5 से, तो ऊपर जाएगी 5 से। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि फ्रिक्शन का एक इंपल्स लगा, उसके कारण उसने राइट की तरफ कितनी स्पीड गेन कर ली, 1 मीटर पर सेकेंड। और एक और चीज हम लोगों ने देखी, वो ये है कि इसके पास शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, लेकिन इस पर जो टॉर्क लगा उसकी डायरेक्शन, उसकी जो सेंस है वो कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज ऑपोजिट टू ओमेगा नॉट। तो उसके बारे में भी चर्चा अभी हम लोग करेंगे, पर हाँ ये जरूर समझ में आ रहा है कि ओमेगा नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है। अब अगर मैं सिर्फ पहले पार्ट को सॉल्व करने के बारे में सोचूं, है ना, कि लेंथ ऑफ द कार्ट एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहां पर कि होना ये चाहिए कि जैसे कि दिया हुआ है सवाल में कि ये जो स्फेयर है ना, वो इस हाइट से ड्रॉप हुई है ना, इस हाइट से नीचे की तरफ आ रही थी, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द कार्ट पे वो स्ट्राइक कर रही थी। तो सेंटर ऑफ द कार्ट पे जब स्ट्राइक करी तो ये कार्ट टूवर्ड्स लेफ्ट गया है ना, और लेफ्ट की स्पीड से गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसको करना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसके पास ऊपर की भी वेलोसिटी और राइट की भी वेलोसिटी है, जिसके कारण ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है कि इसके पास ऊपर की स्पीड कितनी है, ऊपर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यही तो है। अगर ऊपर की तरफ इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वापस से ये नीचे कितनी देर में आएगा, चलिए वो निकाल लेते हैं। आपको याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2uy/g, और uy कितना है, 5 है, तो ये हो गया 2 × 5/10, दैट इज 1 सेकेंड। इसका मतलब कि ये यहां से यहां आने में कितना टाइम लगाएगा, 1 सेकेंड लगाएगा। अब मुझे बताइए कि इस प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी हो जाएगी ना, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड में वो किस स्पीड से गया टुवर्ड्स राइट, वो गया 1 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ गई, वो आ गई 1 सेकेंड × 1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर, है ना, 1 सेकेंड × 1 मीटर पर सेकेंड कितना आ गया, 1 मीटर आ गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हो गई 1 मीटर। अब लेकिन इतनी ही देर में प्लैंक कितना आगे बढ़ गया, वो इतना आगे बढ़ गया, मतलब कि 0.4 × 1, दैट इज 0.4। तो बेसिकली हमें सवाल में ये बोला गया है कि जब ये यहां से कूद करके यहां आए ना, तो नीचे इसके क्या होना चाहिए, प्लैंक होना चाहिए। तो मैंने वही डायग्राम नीचे बनाया कि जस्ट जब ये लैंड कर रही है तो वो यहां पर लैंड करे, सच दैट कि प्लैंक का बिल्कुल आखिरी टिप इसे मिल जाए, है ना। तो इसका मतलब कि ये है कि यहां से लेकर के, है ना, ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी आ रही है, 1 + 0.4, दैट इज 1.4 मीटर।
तो अगर इतनी दूरी रहेगी तो क्या होगा, जब वो लैंड करेगा वापस से तो बिल्कुल टिप पर लैंड करेगा ऑफ द प्लैंक। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे, मिनिमम मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए प्लैंक का, मतलब कि इस कार्ड का, बेसिकली इस कार्ड की मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 1.4 का डबल, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। तो ये पहला पार्ट का हमारा जवाब आ गया 2.8 मीटर्स। अब आ जाते हैं सेकेंड केस में, अपने को ये दिख रहा है कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन, है ना, बाय द एंड ऑफ द कोलिजन जो सेंटर की स्पीड है स्फीयर की वो कितनी है, आगे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतनी ही तो है। तो ये वाली वेलोसिटी स्फीयर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को तो मिलेगी, एटलीस्ट 1 मीटर पर सेकेंड तो मिलेगी। अब हमें ये दिया हुआ है कि कार्ट की जो स्पीड है वो कितनी है, लेफ्ट की तरफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा के कारण, मतलब ये जो जैसे ही कोलिजन एंड होने वाला है ना, जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करने वाला है, तो उस समय ओमेगा की वजह से, आप समझ पा रहे हैं कि ओमेगा इंटू आर करके किसको वेलोसिटी इस तरफ मिलेगी, वो आप सोचिए कि कितना होना पड़ेगा। मुझे साफ दिख रहा है कि ओमेगा इंटू आर -1 मीटर पर सेकेंड, इसको कितने के बराबर होना पड़ेगा, इसको बराबर होना पड़ेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड के। तभी तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, और कार्ट का जो, कार्ट का तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वैसे ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तभी प्योर रोलिंग हो रहा होगा। तो यहां से देखिए ओमेगा इंटू आर कितना आ गया, ये आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया 1.4 अपॉन रेडियस, है ना। तो ये आ जाएगा 1.4 डिवाइड बाय रेडियस दिया हुआ था 0.2, तो ये आ गया 7 रेडियन पर सेकेंड। तो मेरे को मिला कि ओमेगा कितना आना चाहिए, है ना, लेकिन मुझे सवाल में निकालना है कि ओमेगा नॉट कितना होना चाहिए। तो देखिए मैंने सारे डेटा यहां पर लिख दिए कि शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी लेट अस से ओमेगा नॉट थी, बाद में एंगुलर वेलोसिटी 7 रेडियन पर सेकेंड हो गई और सेम डायरेक्शन में हुई है ना। इसका ये साफ मतलब है कि ओमेगा नॉट तो 7 से ज्यादा रहा था, तभी कम हो करके ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा विच इज 7। फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लग रहा था जिसके कारण टॉर्क इसे किस सेंस में मिला, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जिसने ओमेगा नॉट की वैल्यू को धीरे धीरे कम किया। और हमने ये भी निकाल रखा है कि टॉर्क, है ना, सॉरी एंगुलर इंपल्स प्रोवाइडेड बाय द टॉर्क, वो कितना हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर सेकेंड, ये हमने डराइव कर रखा है अभी भी। तो अब अपने को एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल निकालनी है। तो मैं बड़े आराम से देख सकता हूं कि अगर मैं सेंटर से देखूं, है ना, सेंटर ऑफ मास से देखूं या सेंटर से देखूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ फ्रिक्शन का ही तो टॉर्क आएगा, क्योंकि नॉर्मल और एमजी ये दोनों तो इस सेंटर से पास कर जा रहे हैं, है ना। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर एंगुलर मोमेंटम मैं सेंटर के अबाउट देखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि शुरुआत में सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना था, वो था आई ओमेगा नॉट, बाद में कितना हो गया आई इंटू ओमेगा, जहां पर आई कितना हम लोग लेंगे 2/5 mr², क्योंकि ये स्फेयर है, स्फेयर बोला मतलब सॉलिड स्फेयर। तो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम इतना था, बाद में एंगुलर मोमेंटम घट करके थोड़ा इतना हो गया, मतलब आई ओमेगा नॉट ज्यादा है आई ओमेगा से, तो इन दोनों को मैं घटा दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे राइट लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड लिखना है, तो राइट साइड में भी मैग्नीट्यूड लिख दूंगा। ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्यों आया, बिकॉज ऑफ एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स मुझे पता है कि कितने मैग्नीट्यूड का मिला, 16 न्यूटन मीटर सेकेंड। तो ये 16 न्यूटन मीटर सेकेंड ने, इस एंगुलर इंपल्स ने क्या किया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कॉज किया, है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 बराबर हो जाएगा 2/5, मास कितना है स्क्वायर का 80, इनटू रेडियस कितना था, रेडियस था 0.2 मतलब 1/5, तो स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, ओमेगा नॉट -7, क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू तो निकाल रखी है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160/5 इंटू 1/25 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा नॉट -7। तो ये कितना हो जाएगा, 16 10 160, 5 2 10, तो ये आ गया 25/2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट -7। तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 12.5 + 7, मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई 19.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये वो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है, ऑल राइट।
तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया। हम लोगों ने सवाल के दोनों पार्ट को निकाल लिया। पहले पार्ट में हम लोगों को क्या चाहिए था, मिनिमम लेंथ ऑफ द कार्ड, जो कि हमने देखा कि कितना आ गया, 2.8 मीटर्स। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी थी, वो भी आ गई, और वो कितनी आई, 19.5 रेडियन पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल था जिसमें हम लोगों ने इंपल्स, एंगुलर इंपल्स और मोमेंटम, इन सब से डील करा है ना। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सवालों के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे इन आवर सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, काइंडली डू दैट। बाय बाय।